हम लोग पहुंच गए हैं हमारी मेरी मम्मी के घर पर। और फिर बताती हूँ कुरान खाने का कैसा क्या है, और फिर आपको थोड़ा सा घर का भी बता दूंगी कैसा घर वगैरह बनाए हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं बाद में। और ये मेरे बहन के बच्चे लोग भी आए हैं, लोग सुबह में ही आ गए थे, मैं लेट हो गई। चालू है ऊपर तो मैं जा रही हूँ ऊपर अभी। मेरा भाई खड़ा है, कुरान खाने चालू है तो सब बच्चे लोग पढ़ रहे। यहाँ पर मैं अनाबिया को रेडी कर रही थी, ऊपर के घर में कुरान खानी चल रही थी, सब लोग कुरान शरीफ पढ़ रहे थे, और इधर मैं अनाबिया को रेडी कर रही थी, और एक जगह पे बच्चे लोग मस्ती कर रहे थे, दिख रहा होगा वीडियो में आपको। और ये मेरे छोटे वाले भाई का घर है नीचे का, और जिधर कुरान शरीफ वगैरह पढ़ रहे थे बच्चे लोग, वो ऊपर का रूम है। तो ऊपर नीचे का दो ऐसा माला बनाया हम लोग ने, मेरे अब्बा ने। तो कैसा लगा घर बताना, और माशाल्लाह ज़रूर बोलना। और ये मेरे भाई की लड़की है छोटी वाली, और ये घर में सब लोग मतलब जिधर उधर बैठकर अपना अपना काम कर रहे थे। मैं अनाबे को रेडी कर रही थी, मेरी बहन रेडी हो रही है मेरे बात फाते के लिए। बच्चे लोग देखो कैसे परेशान कर रहे, आगे छोटी सी परी सोई है, ये मेरा बैग है, छोटी सी परी देखो कैसा सोई है, चटाई पे। यहाँ पर फातिया वगैरह हो रही थी, सब लोग बैठे थे, कोई बैठा था कोई बाहर खड़े थे, और बच्चे लोग बहुत मस्ती कर रहे थे, जिधर उधर से चिल्लान पुकार की आवाज़ आ रही थी। इसके लिए मैं वॉइस अलग से दे रही हूँ। और ये अनाबिया को अनामदिया पानी पिला रही है। एक खजूर था, पुलाव था फातिये में, और मिठाई वगैरह थी, नान कटाई थी, मुर्गे का सालन था, खाना आ गया है। ये मेरे घर वाले भी आए हैं सब लोग। खिलाओ खिलाओ एक दूसरे को खिलाओ। पूरा देखो ये बादाम का, ये देखो मेरा छोटा पापा। ये बच्चे लोग बैठे खाना खाने, ये मेरे अब्बा और मामू बैठे ले खाना खाने के लिए। ये रात हो गई है 1-2 बजने को आ गए हैं, और हम लोग बैठे खाना खाने के लिए। अभी सब हम लोग का काम हुआ और हम लोग अभी खाना खा रहे, आ जाओ आप सब भी खाना खाने के लिए। ये मेरे भाई का ऊपर का घर है, तो सब माशाल्लाह ज़रूर बोलना मेरे ब्लॉग को, और मुझे जल्द से जल्द सपोर्ट करके आगे बढ़ाओ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और मेरे चैनल को आगे बढ़ाओ।